विद्यार्थियों, आज आपको इकोनॉमिक्स में लेसन टू कराया जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय व्यवस्था के क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होती है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं? आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से डिवाइड किया जाता है? अंत में धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरे को सेवाएं प्रदान करती हैं या ऑर्डर दिलाती हैं। गतिविधियों को उनके सामान्य गुणों के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है या बांट दिया जाता है। ये तीन अलग अलग तरीकों में से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे नंबर एक प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र, सेकेंड है संगठित व असंगठित क्षेत्र, तीसरा है सार्वजनिक या एवं निजी क्षेत्र। प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं लिखती है। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो वे द्वितीय या द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। विशेषताएं, इनमें विनिर्माण का निर्माण शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखाने, कारशाला या घर से बोली जाती है। द्वितीय क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गन्ना प्राथमिक, चीनी द्वितीय, दूसरे मार्केट में सप्लाई करते हैं, सब चीज़ें चीज बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? रोजगार की परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जगह नंबर एक संगठित क्षेत्र और नंबर दो असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में सभी गतिविधियाँ एक पद्धति के अंतर्गत होती हैं, अर्थात संगठित क्षेत्र में से में वे उद्यम स्थान आते हैं या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है। असंगठित क्षेत्रों छोटी और बिक्री इकाइयों में बिक्री इकाइयों से निर्मित होता है जहां नियम कानून की आलोचना होती है। इसमें कोई पद्धति
नहीं होती हैं। इस तरह से आप इस लेसन का अध्ययन करें तो आपको ज़्यादा नहीं आएगा, बाकी जब लोग मिलेंगे तब इसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। Thank you.